नमस्कार, मैं बाग विनोद में मैं सैन विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज सीधे चर्चा करते हैं उस महत्वपूर्ण विषय पर जिसे लेकर न केवल संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर एक विचित्र तरह का माहौल तैयार हो गया है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। मालूम है जैसे कि आपको कि संसद के अंदर लोकसभा के अंदर दो जोकों ने छलांग लगाकर अंदर दर्शक दीर्घा से अंदर कूदे थे, अफरा तफरी का माहौल बना था, सुरक्षा को लेकर बातें शुरू हो गई और उसके बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं अब संसद चलने नहीं दे, न लोकसभा चल पा रहा है न राज्यसभा। विपक्ष की मांग है कि इस मुद्दे पर गृह मंत्री सदन में आकर बयान दे, बिल्कुल जायज मांग है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, गृह मंत्री को इस पर बयान देना चाहिए। लेकिन अब हमारे यहां एक प्रवृत्ति जो पैदा हो गई है, उच्च सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग पता नहीं क्यों अपने आप को आम लोगों से दूर कर लेते हैं। आम लोगों को छोड़िए, आप जिस संसद के प्रति दायित्व है आपका, आप उससे भी स्वयं को दूर करते हैं। इस मामले में देखिए, विपक्ष पुरजोर मांग कर रहा है क्योंकि अब जो बातें आई हैं, इसके जो तार जुड़ रहे हैं, जो स्वयं जिन धाराओं में आरोपियों के ऊपर मामले दर्ज में, उसमें आतंकवाद भी जुड़ा हुआ है, मतलब इसे आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है, तब यह सवाल खड़ा होता है कि जिस सांसद ने या जिस सांसद की अनुशंसा पर उस युवक को जिसने छलांग लगाई थी संसद के अंदर जाने का प्रवेश पत्र मिला था, अर्थात पास मिला था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या सिर्फ इसलिए कि वे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं? यह सवाल खड़ा होगा, आम जनता पूछ रही है और बिल्कुल सही पूछ रही है। आप कल्पना कीजिए कि अगर यह पास किसी कांग्रेसी सांसद या किसी विपक्ष के किसी अन्य सांसद ने जारी करवाया होता तो अब तक क्या स्थिति होती? पूरा हंगामा हो गया रहता पूरे देश में, विपक्ष पर सत्तारूढ़ दल हावी हो जाता, उनका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जोड़ दिया जाता कि ये संसद को नहीं चलने दे, संसद को उड़ाना चाहते हैं, संसद को समाप्त करना चाहते हैं, ये सारे आरोप लगते हैं। लेकिन चूंकि वे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अब तक जब मैं बोल रहा हूं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि कायदे से सबसे पहले पूछताछ उनसे होनी चाहिए थी। और अगर लोकसभा अध्यक्ष अगर इस विपक्षी सांसदों को निलंबित करते हैं, 14 सांसद निलंबित हुए इस मांग को लेकर, ठीक है, अराजक दृश्य पैदा किया और उन्होंने संसद के अंदर इसमें कोई शक नहीं है, कार्रवाई करें, लेकिन उनकी मांग को क्यों नहीं माना जा रहा है? आज उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यह तो पूछा लोकसभा अध्यक्ष से पूछा जा सकता है कि अब तक उन्होंने उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जिसने उस आतंकवादी, जी हां, अब आतंकवादी कहना पड़ेगा चूंकि आतंक से जुड़ा हुआ मामला भी उसके खिलाफ दर्ज हुआ है, उन्होंने पास जारी किया। यहां मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें कोई पूर्वाग्रही सोच नहीं है, यह अनजाने में भूल लापरवाही से हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं किसी के पैरवी करते हैं कि भाई मेरा परिचित है उसको पास दे दो, वो पास देते हैं बिना जाने मुझे, कोई उसमें उनके नियत नहीं रहती है खराब। इस मामले में वैसा हुआ होगा, हो सकता है, लेकिन मुद्दा तो जांच का है। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को चाहिए था, आज आप निलंबित कर रहे 14 सांसदों को सदन में हंगामा करने के ऊपर, सबसे पहले आपको उस सांसद को, उस बात पर सांसद को निलंबित करना चाहिए था और फिर से पूछे थे। आपने समिति बनाई, जांच हो रही है, सब ठीक है अपनी जगह, समिति उनसे पूछताछ करेगी यह भी सही है, लेकिन प्रथम दृष्टया यह मामला बनता है कि सबसे पहले उन्हें संसद से निलंबित किया जाना चाहिए था और पुलिस को उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे यह संदेह होता है कि हमारे यहां जो यह लोकतंत्र है उसके मार्ग में अवरोधक पैदा किया जा रहा है और विडंबना के इसमें सत्ता पक्ष भी एक पार्टी बन जाता है अनजाने में ही सही।
लेकिन ऐसा हो रहा है। विपक्ष के ऊपर आरोप लग रहे हैं, या जो मांग हो रही है गृह मंत्री के बयान की उसे लेकर सामंती अराजकतावादी सोच वाले तत्व तक निरूपित किए जा रहे हैं विपक्ष के हमारे निर्वाचित सांसद। उन पर आरोप लग रहा है कि उनकी जो यह अराजक सोच है वो लोकतंत्र के मार्ग में बाधक है। हालांकि मैं यह बता दूं कि यहां पर मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें तो एकजुट होकर मूल कारण का पता लगाना चाहिए कि आखिर इसकी षड्यंत्र के पीछे कौन सा उद्देश्य था। अभी तक पुलिस खाली हाथ है, अभी तक कोई पता नहीं लगा पाई, जबकि यह हुआ कि एक महीनों से यह साजिश रची जा रही थी, यह तो स्पष्ट हो गया। लेकिन अभी उसका मूल कारण, क्योंकि अगर कुछ और कारण हुआ, जैसे बात हो रही थी 22 वर्ष पूर्व की घटना की, जब 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, वो संसद के बाहर हुआ था, हमारे 9 लोग शहीद हुए थे ये घटना, और उसी बरसी के दिन 13 दिसंबर को इस बार ऐसी घटना हुई, लेकिन वो संसद के अंदर अफरा तफरी पैदा किया। कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को मारने की कोशिश नहीं हुई, कोई बम गोली नहीं चले, उसमें एक पदार्थ जिसको बोलते हैं स्मोक बम, वो जारी करके धुआं धुआं कर दिया। जाहिर है अफरा तफरी बचेगी, अफरा तफरी मची, लेकिन मूल उद्देश्य क्या था। अब यह कहा जा रहा है कि बेरोजगारी को लेकर जो बेरोजगार तत्व तो है, बहुत जमाने से बेरोजगार, इससे जो आरोपी पढ़े लिखे इंजीनियर तक है, रनिंग चैंपियन तक है, सिविल सर्विस की परीक्षा देने की तैयारी करने वाली महिला भी एक है उसमें, ऐसे ऐसे लोग रहे। इसलिए यह कहना जो ऐसा लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश थी संसद भवन को उड़ाने की, यह कहने की, ऐसा कुछ नहीं है। यह लगता है कुछ खास मुद्दों की ओर संसद का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश थी, गलत तरीका अपनाया गया, इसमें कोई संदेह नहीं है, गलत तरीका था। लेकिन हर लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपनी विचारधारा के अनुसार, और उनकी जितनी शक्ति होती है सोचने की, चिंतन मनन की, उसके अनुसार कोई कदम उठाते हैं। जो ये उठाया गया जो बिल्कुल गलत था, इस कदम उठाए गए कदम के कोई भी उसके पक्ष में मत व्यक्त नहीं कर सकता है। आज पूरा देश आज इस सोच में है कि आखिर हमारे लोकतंत्र को वो किया गया है। सत्ता पक्ष के अनुसार आरोप लगता है कि यह जानबूझकर विपक्ष नहीं चाहता है कि संसद चले, और अभी ताजा मामले में यह कहा गया कि पिछले दिनों जो 3 हिंदी भाषी राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार विपक्ष की हार हुई, उससे बौखलाकर वे संसद में ऐसा दृश्य उत्पन्न करना चाहते हैं, या यहां तक आरोप लगा दिया गया। जो यह आरोप भी उसी तरह गलत लग रहा है जिस प्रकार इस पूरे मामले में राजनीति करने वालों के मंशा था। इसलिए सभी को चाहिए कि जब ऐसे मामले हों, यह जो मामला है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, और जितने सीधे सीधे भारतीय संसद के ऊपर निशाना बनाए जाने की बात आ रही है, वहां एकजुटता प्रदर्शित करे पक्ष और विपक्ष, यहां कोई राजनीति नहीं हो, किसी को यह कहने का मौका नहीं मिले कि भारतीय लोकतंत्र में कुछ ऐसे तत्व, या जैसे सीधे सीधे कहे कि निर्वाचित सांसदों में कुछ ऐसे तत्व शामिल हो गए हैं जिन्हें लोकतंत्र से सच पूछिए तो परहेज है, यह कहा गया दिशारी सारे में कहा गया। लेकिन जब उनकी मांग की बात आती है, और जिन्हें निलंबन किया गया 14 साधु को, इसमें मामला जरूर उठेगा। पहला यह कि जब विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री संसद में आकर इस पूरे मामले पर बयान दे, तो इसमें अनुचित क्या है। ध्यान रखिए, ये जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो गृह मंत्री को संसद में बयान देना चाहिए, वे बयान नहीं दे रहे हैं। विपक्ष यह मांग कर रहा था जिस पर उसे निलंबित कर दिया गया 14 सांसदों को, लेकिन वही गृह मंत्री
संसद के बाहर इस मुद्दे पर मीडिया के सामने अपने विचार रखते हैं? उन्होंने टिप्पणी की, बयान दिया। जब आप मीडिया के सामने संसद के बाहर चर्चा कर सकते हैं, तो संसद के अंदर जब संसद चल रहा है, संसद जारी है, आप बयान क्यों नहीं दे सकते? आप किस अहंकार के मद में चूर हैं माननीय आदरणीय सम्मानीय गृहमंत्री जी? देश जानना चाहता है, आपके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है देश की, और आप संसद में बयान नहीं देंगे? और हमारे अध्यक्ष महोदय, ये ठीक है, मैं यहां फिर दोहरा दूं, मैं कोई पूर्वाग्रही सोच से ग्रस्त नहीं हूं। जिस तरह से विपक्षी नेताओं ने, विपक्षी सांसदों ने मांग की और जो हंगामा खड़ा किया, वह अनुचित था, उसका समर्थन नहीं किया सकता। लेकिन यहां पर लोकसभा अध्यक्ष की विफलता भी है कि वे जो है ढंग से उसका किसी तरह से उसको संभाल नहीं पा, संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर है और मुख्यतः लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर है, पीठासीन अधिकारियों पर इसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसमें वे विफल रहे। क्या लोकसभा अध्यक्ष गृह मंत्री को निर्देश नहीं दे सकते थे कि आप इस पर बयान दो? देना चाहिए था उन्हें। ये कौन सी ऐसी बात है, बयान देते स्थिति स्पष्ट होती। जो बात आप बाहर मीडिया के सामने कह रहे हैं, उस बात को आप अंदर कह देते, मामला खत्म था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह आरोप तो स्वयं सत्ता पक्ष पर लगता है कि वे नहीं चाहते कि संसद चले, क्योंकि देखिए कल क्या हुआ। कल जब संसद के अंदर पीठासीन अधिकारी ने संसद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए कहा, वो खड़े हुए, तब तक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खड़े हो गए और स्थिति फिर वहां गए। क्या बोलने जा रहा है, कोई सुन नहीं पाया, मामला हुआ, हंगामा हो गया, खत्म। न खड़गे बोल पाए, न पीयूष गोयल बोल पाए, यह स्थिति पैदा हो रही है। क्यों? क्या वे अनपढ़ अज्ञानी मूर्ख है? कदापि नहीं। जनता द्वारा निर्वाचित वे जनप्रतिनिधि हैं, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है संविधान के अंतर्गत। उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका निर्वहन करना है ईमानदारी पूर्वक। लेकिन ऐसा जब नहीं करने दिया जाए, जिसमें दोनों ध्यान रखें, इसमें दोनों पक्ष जिम्मेदार है, कभी विपक्ष कभी सत्ता पक्ष, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप को खोज खोज कर इतिहास के पन्नों कहां कहां से लाते हैं मामले, वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। 70 साल चले जाते हैं, आजादी के पहले भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रवृत्ति पर तत्काल अंकुश लगे। अब जो हुआ सो हुआ, अब भी समय है जब सत्ता पक्ष की ओर से पहल करते हुए स्वयं प्रधानमंत्री जी, हां चूंकि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, संसद की सुरक्षा का मामला, संसद की सुरक्षा में सेन लगाई गई है, स्वयं प्रधानमंत्री को पहल करनी चाहिए। वे विपक्ष को आमंत्रित करें, चर्चा करें और इसका निराकरण करें कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो। और जो यह जो संदेश आम जनता के बीच आ रहा है कि क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष दोनों संसद की मर्यादा को कुचल रहे हैं, तार तार कर रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आज के हमारे युवा पीढ़ी जिसमें एक बेरोजगारों की बड़ी फौज खड़ी है, वो क्या सोचोगी? या फिर वे वह बेरोजगारों की फौज अगर कोई गलत कदम उठा ले तो आश्चर्य क्या? यही हो रहा है। आज इस मामले से भी बेरोजगारी को जोड़ा जा रहा है, बेरोजगारी से त्रस्त लोगों द्वारा उठाया गया यह कदम बताया जा, जो गलत है। लेकिन कड़वा सच यह भी है कि इसकी जब छानबीन की जाए तो ऐसा पता चलेगा। और इसके साथ ही सबसे आवश्यक है, विलंब के बाद ही सही, जिस भाजपा सांसद ने उस व्यक्ति को पास दिलाया था, दिलवाया था संसद में प्रवेश का, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो और यह कड़ी कार्रवाई हो। जब हम किसी को सजा देते हैं तो किस लिए? ताकि अगले
जो अन्य लोग हैं उससे सीख लिए, उन्हें शिक्षा ग्रहण हो, इस मामले में भी ऐसा होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई है, लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई करे, उन्हें निलंबित करे, फिर उनसे पूछताछ करें ताकि अन्य सदस्य सतर्क हो जाए, सजग हो जाए, इस तरह की लापरवाही नहीं करें कि कोई अराजक तत्व पास लेकर संसद के अंदर घुस जाए, चूंकि मामले में जो मामले दर्ज किए गए हैं उसमें आतंकवाद को भी जोड़ा गया है, इसलिए मामला और भी गंभीर हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखें। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह है कि अपने कोई अगर ऐसी सोच है, इसमें कोई अहम की बात न लाए, राष्ट्रहित में, लोकतंत्र के हित में वे पहल करें, विपक्ष को सादर आमंत्रित करें, उनकी बातों को सुने और लोकसभा अध्यक्ष भी संसद के अंदर इस पर बहस की अनुमति दें और गृह मंत्री को निर्देश दें कि वे संसद में आकर के बयान दें, स्थिति को स्पष्ट करें ताकि कहीं कोई शक हो सुबह कहीं लंबित न रह जाए। धन्यवाद।